Hi everyone, welcome and welcome back to my channel Ellie Prabha. Those who are new on my channel, please to consider subscribing my channel. और जो लोग मुझे पहले से follow करते आ रहे हैं, पहले से इस space को जानते हैं, तो thank you so much. तो thumbnail देख के आपको पता चल गया होगा कि ये video किस बारे में है. तो हाँ, ये video है सरोजनी नगर market, जहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है. दिल्ली तो वैसे बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, बट पर्सनली मुझे जिस लिए दिल्ली सबसे ज़्यादा पसंद है, आई थिंक बहुत सारे लोगों को इसीलिए पसंद होगा. वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे फेमस, बट सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है सरोजनी नगर मार्केट. आपने बहुत सारे सॉन्ग्स वगैरह में भी सुना होगा सरोजनी नगर मार्केट जो है, वहाँ पर जो भी ट्रेंडिंग ड्रेसेस, टॉप्स, जींस, जो भी चीज़ें होती है ना, लाइक यू नेम इट एंड यू हैव इट वाली सिचुएशन होती है वहाँ पे. आप जो सोचोगे वहाँ वो मिल जाता है झटपट, और बहुत ही मिनिमल प्राइस में मिलते हैं. और आप चाहो तो वहाँ पे बार्गेनिंग भी कर सकते हो अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी है. वैसे तो वहाँ पे प्राइस ही इतने अफोर्डेबल होते हैं कि बार्गेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती. मंडे को वहाँ पे चीज़ें और भी ज़्यादा सस्ती मिलती हैं, तो मैं मंडे को ही मार्केट गई थी. सबसे पहले जो मैंने ख़रीदा है वहाँ पर वो है ये टॉप, आप देख सकते हो. तो इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़. यस, यू हैव टू बिलीव इट. क्या बढ़िया था गुरु. यहाँ से ये स्लीव्स है, अटैच है ये यहाँ पर, और जो मटेरियल है इसका कॉटन में है, जो कि यहाँ से पूरी तरह रबर दिया हुआ है. और जो भी मैंने कुछ ख़रीदा है उनमें से ये मेरा फेवरेट टॉप है. सरोजनी मार्केट की एक और खासियत है, वहाँ पे प्राइस जो होते हैं वो सिर्फ अफोर्डेबल होते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ जो क्वालिटी होती है वो ख़राब होती है, क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है. अभी आपने देखा होगा कि रेनबो टॉप्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे थे, इंस्टाग्राम पेज और हर जगह मिल रहे थे वो, बट वो मुझे 300-350 के अबव ही मिल रहे थे, तो मैंने वो नहीं ख़रीदा था. बट जैसे ही मैंने सरोजनी में देखा तो मैंने फटाफट उसको ख़रीद लिया. एंड दिस इज़ द टॉप, एंड दिस कॉस्ट मी फॉर ₹250. और इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, कोई भी मटेरियल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है. नेक्स्ट जो है वो है ये टॉप, थोड़ा सा हाई नेक है यहाँ पर. कलर इसका आप लोग बताओ कौन सा कलर है, मैं कलर के मामले में बहुत गंदी हूँ. ऑरेंज और ब्लू में लाइनिंग्स दी हुई है इसकी, और इसका मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है. ओके, तो ये टॉप और ये टॉप मैंने साथ में ही लिया था. इस टॉप को उसने 200 बोला था, बट मतलब मम्मी के साथ मार्केट जा के मेरी बार्गेनिंग थोड़ी सी अच्छी हो गई है. पहले तो मैं उनको ही मना करती थी कि क्यों मम्मी उनकी पेट पे लात मारती हो, इतना कम प्राइस क्यों बोल देती हो, ऑलरेडी तो वो इतने कम में दे ही रहा है. बट उनके साथ जा के मैंने भी थोड़ा सा पैसे बचाना सीख लिया है. तो इस टॉप के उसने 200 बोले थे, और ये दोनों टॉप मैंने साथ में लिया था. तो मैंने उसे बोला था कि मैं सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ आपको दूंगी और मुझे ये दोनों टॉप चाहिए उतने में. बहुत तेज हो रहा है. तो वो एग्री हो गया और मैंने पैसे बचा लिए. पैसा ही पैसा हो गया. नेक्स्ट जो है वो है ये रेड शर्ट, जो कि चेक्स में है, ब्लू चेक्स है. ओके, छोटे छोटे चेक्स दिए हुए हैं, और यहाँ जो स्लीव्स है इसकी वो पफ में है, और इसके बटन्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं. ये चिट चिटपिट
आई थिंक इसे चिटपिट कहते हैं, मुझे सच में नाम नहीं याद आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग हेल्प कर देना कमेंट बॉक्स में, मुझे प्लीज़ बताना कि इसका इसको आप लोग क्या बोलते हो। मैं तो शायद चिटपिट ही नाम होता है या फिर मैं नाम भूल रही हूँ। तो ये है और कॉटन मटेरियल है इसका, अगेन ये बहुत अच्छा है। इसमें साइज मुझे M मिल गया था तो ये मैंने ले लिया है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, अब मैं इसको खूब पहनने वाली हूँ। नेक्स्ट जो है वो है ये हमारा ब्लू शर्ट, जो कि थोड़ा सा लूज़ है मुझे साइज में, और मुझे सच में लूज़ ही चाहिए था ताकि मैं उससे जो भी आजकल यू नो इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेंड हो रहे हैं कि हम इसको ऐसे पहन सकते हैं वैसे पहन सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, और इसमें एक एक्स्ट्रा बटन भी है, और जो मटेरियल है वो है कॉटन में और फुल स्लीव है, तो ये मैं कवर अप्स के साथ भी यूज़ कर सकती हूँ, इस पैकेटी पहन के अंदर ऊपर से इसको पहन सकती हूँ। और इसके स्लीव्स जो है वो फुल स्लीव्स में है और यहाँ साइड में कट दिए हुए हैं, दोनों साइड कट्स हैं, तो आप उसको अपने जैसे चाहो वैसे इसको ड्रेसअप कर सकते हो। टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे ड्रेसअप कर रहे हो। मैं तो इसको बहुत सारे तरीके से स्टाइल करने वाली हूँ। इसमें जो ब्रांड है ना वो कोई मार्को पेशी है, तो आई डोंट नो। और ब्लू और वाइट के चेक्स हैं, चेक्स में भी मुझे चाहिए था, ये छोटे छोटे चेक्स मेरे पास नहीं थे, जो कि पहनने के बाद से काफ़ी कूल लगते हैं, बहुत ही अच्छे वाइब्स आती हैं इसको पहनकर। तो अगेन मैंने शर्ट लिया है जो है ब्लू और वाइट में, ये है वो फ्लोरल शर्ट। इसमें भी जो बटन्स हैं वो ये चिटपिट वाले ही हैं, तो यू नो काफ़ी कम्फर्टेबल होता है पहनना, अगर जल्दी जल्दी में कहीं जाना है तो इसको बस खोलना बंद करना है, बहुत इजी हो जाता है, समझ रहे हो। पॉकेट्स जो हैं वो दोनों साइड दे रखे हैं और ब्रांड इस पे कुछ लिवाइस लिखा हुआ है, आई डोंट नो ये फर्स्ट कॉपी है या फिर ओरिजिनल है। इसमें भी जो स्लीव्स है वो फुल स्लीव्स ही है, मटेरियल जो है वो काफ़ी सॉफ्ट, इसके बटन्स देख रहे हो आप कितने अच्छे हैं, मोती टाइप के बटन्स दे रखे हैं। शर्ट से पहले मैंने इस बटन पर नज़र डाली थी और इस बटन को देखते ही मेरा मैन मुझे तो ये लेना ही है। ओके तो हमारे पास चेक्स हो गए, फ्लोरल हो गया, अब प्लेन शर्ट्स की बारी है, तो मैंने प्लेन शर्ट लिया है जो कि बहुत ही बेसिक है। और नेक्स्ट है हमारा ये वाइट शर्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसमें भी बटन्स काफ़ी अच्छे से दे रखे हैं, सिंगल पॉकेट मिलेगा आपको। मटेरियल थोड़ा सा देखने में शेयर लग रहा है बट ट्रस्ट मी ये बहुत ही अच्छा है, बहुत सॉफ्ट, और अगेन मटेरियल जो है वो कॉटन में है। ओके तो बातों बातों में मैं उनके प्राइस बताना भूल गई, वो सारे शर्ट्स जो भी आपने देखे हैं वो सबके प्राइस सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ है, सिर्फ और सिर्फ जो रेनबो वाली टी शर्ट आपने देखी थी उसकी प्राइस सिर्फ 250 है। ओके अब हम चलते हैं जीन्स की तरफ, जहाँ से मैंने एक ब्लैक जीन्स ली है और एक ब्लू जीन्स ली है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। द फर्स्ट वन आई हैव इज दिस ब्लैक जीन्स। ओके तो जहाँ पे सिर्फ आपको ये बटन मिलेगा, यहाँ पे कोई भी चेन नहीं है। ओके दिस इज़ काइंड ऑफ जेगिंग्स, या फिर ये जेगिंग्स ही है, आई डोंट नो। पीछे आपको दो पॉकेट मिल जाते हैं, आगे से आप देख रहे हो ये पॉकेट वाले डिज़ाइन हैं बट कोई भी पॉकेट नहीं है इसमें, बट ठीक है यार 100 रुपये में क्या ही लोगे आप। कलर जो है इसका वो टोटली जेट ब्लैक है, और ब्लैक आपको पता होगा कितनी जल्दी फेड आउट हो जाता है, तो ब्लैक वैसे मेरे पास बहुत सारे थे बट इसको अगर आपको कोई इतनी अच्छी चीज़ 100 रुपीज़ में मिल जाए तो क्यों नहीं लोगे। सेकेंड वन आई हैव इज़ दिस ब्लू जीन्स, जो मैं जहाँ पे ये कुछ ऐसा शेड है इसका, और मिड वेस्ट है ये, इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ थी, और मटेरियल जो है वो अच्छा है इसका, स्ट्रेचेबल है ये, और यहाँ पे आपको पॉकेट्स मिल जाती हैं, ब्लैक वाली जीन्स की तरह नहीं कि बस बना दिया और पॉकेट नहीं दिया है, बट ये काफ़ी शॉर्ट है जो पॉकेट्स है, तो आप इसमें पैसे तो रख सकते हो बट फ़ोन वगैरह कुछ नहीं रख सकते, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बट पर्सनली प्रेफर नहीं करती हूँ पॉकेट्स में कुछ भी रखना, और वैसे भी जो लड़कियाँ होती हैं वो अपने पर्स में ही सब कुछ रखती हैं, राइट। ये वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, सो प्लीज़ कहीं जाना मत। आप जो ये इयररिंग देख रहे हो ये सरोजनी नगर जाएं और इयररिंग्स ना ख़रीदें, ऐसा तो इम्पॉसिबल है, तो सरोजनी नगर से मैंने ये इयररिंग्स ख़रीदी है जो कि
ब्लैक कलर में है और ये मोती लगे हुए हैं। ओके, तो ये काफ़ी जल्दी किसी भी ड्रेस अटायर के साथ मैच हो जाते हैं, तो ये आपके वार्डरोब में होना ही चाहिए। तो मैंने इसको ख़रीद लिया और ये हूप्स में है, तो मोस्टली हर ड्रेस के साथ चले जाते, इवन इस ड्रेस के साथ भी चला जाता, बट ये मेरा थोड़ा फेवरेट हो चुका है तो मैंने इसे ही पहन लिया है। एंड दिस वन इज़ ऑल्सो फ्रॉम सरोजनी मार्केट एंड दिस वन कॉस्ट फॉर रुपीज़ 30। इस वाले हूप्स की भी 30 रुपीज़ ही प्राइस थी। ओके, और सबसे लास्ट जो मैंने ख़रीदा है वो है ये बैग, काफ़ी प्यारा। मैंने इसको थोड़ा सा बिगाड़ दिया है क्योंकि ये यहाँ पे कुछ ऐसे स्टाइल में था, दिल्ली से यहाँ लाने में मैंने इसको यूँ सीधा करके रख दिया था, उसके बाद से फिर ऐसा ही स्ट्रक्चर हो गया है इसका। और सबसे लास्ट में मैं आप सबको बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी वीडियोज़ के जो टोटल्स आर हैं 4200 आर्स होने वाले हैं, तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनको थैंक यू सो मच, आपका एक लाइक भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो ये था हमारा सरोजनी हॉल वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर करें। ओके, और रेड बटन को दबाए बिना कहीं मत जाइएगा, वैसे ये बहुत गलत बात है। मैंने अपने इनसाइट्स में चेक किया था कि कुछ लोग हैं जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं बट दे हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, सब्सक्राइब कर दो यार, फ्री का है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।